दूसरा क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं, पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल क्यों होता है, देखिए उसके कुछ फैक्टर्स रहते हैं, कुछ फैक्टर्स पेशेंट रिलेटेड होते हैं और कुछ फैक्टर्स क्लिनिक रिलेटेड होते हैं। अगर पेशेंट के फैक्टर्स की बात करें तो कोई डिजीज प्रोसेस या पुअर डोनर एरिया अगर होता है तो हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के चांसेस रहते हैं। और जो डॉक्टर या क्लिनिक की साइड पे रहते हैं उसमें अगर एक प्रॉपर टेक्निक फॉलो नहीं की जाए, प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया जाए, तब भी हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के चांसेस रहते हैं।